वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, बज चुके हैं सुबह के 9:30 और आज हो चुका है मौसम एकदम सही। धूप आ चुकी है और चमत्कार भी हो रहा है। जय नहा धोकर अपने कपड़े सुखाने के लिए वहां पर रख रहा है। आज जय ने रिकॉर्ड तोड़ी दिया है। इतने दिनों से कंटिन्यू बारिश थी, जिस वजह से देखो घास भी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही मम्मी ने यहाँ पर सारे घास वगैरह काटे थे, तो अब ये घास वगैरह सब कितने बढ़ गए हैं। अब धूप आ गई है तो यहाँ पर जितना भी ये पानी वगैरह सब हो रखा था, अब धीरे धीरे करके सब सही होने लग गया है। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग इस खेत में, और इस खेत में आए हैं तो समझ ही गए हैं कि आज बनने वाले हैं अरबी के पत्तों की सब्जी, क्योंकि बहुत सारे हो चुके थे यहाँ पर अरबी के पत्ते, इसीलिए आज बना लेते हैं इनकी सब्जी। लगे हाथों यहाँ से घास की कटाई भी स्टार्ट हो गई, लेकिन फिलहाल कंसंट्रेट करना है सब्जी पे। इतने मम्मी ने तोड़कर यहाँ पर रख दिए थे और कुछ यहाँ पर है। अरबी के पत्ते। चलो भाई चले। अब सबसे पहले तो इनको धोना है। भाई अच्छे से धो लेते हैं सारे अरबी के पत्ते। सो फ्रेंड्स, लेकर के आ गए तोड़कर अरबी के पत्ते, और अभी यहाँ पर धो धा करके मम्मी ने शुरू भी कर दिया है इनको छील करके तोड़ना, क्योंकि सबसे पहले इनको छीला जाता है इस तरीके से, उसके बाद फिर तोड़ तोड़ करके बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतने अरबी के पत्ते काटकर मम्मी ने यहाँ पर परात में रख दिए हैं, और अभी तो उतने और बाकी है। दिखने में इतने ज़्यादा लगते हैं ना पत्ते, लेकिन जब बनाओ इन हरी सब्जियों को तो थोड़े से होते हैं। टाइम भी इतना लगता है इनको बनाने में, और अभी देखो कितने देर से इनको मम्मी इस तरीके से काट कर रख रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक करके करना पड़ता है, एक बार में एक पत्ता, क्योंकि देखो पहले इस तरीके से छीलना है, उसके बाद इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करने हैं। उसके बाद फाइनली पत्तों को इस तरीके से तोड़ के रख देने हैं। तो अभी उतने और बाकी हैं। फ्रेंड्स, सब्जी ऑलरेडी काट कर यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि पहले पत्तों को बॉईल किया जाता है अच्छे तरीके से। और उधर कुकर में तैयारी चल रही है दाल बनाने की। ये देखो अभी गले नहीं है पत्ते, पिछले बार तो बहुत टाइम लग गया था इन पत्तों को गलने में। तो एक साइड से बन रही है सब्जी और एक साइड से दाल। इस समय बजने वाले हैं 12:30। एक साइड से खाना बनने की तैयारी चल रही है और दूसरे साइड से हम लोग फ्री है, इसीलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना एक हिडन टैलेंट, जो आज दिन तक किसी को पता ही नहीं है। मेरे अंदर भाई बहुत सारे हिडन टैलेंट है, वो तो मैं दिखाती नहीं हूँ कि कितने सारे टैलेंट है। हाँ, ये बात सही है, इतना टैलेंट है पर अपने टैलेंट पर कभी घमंड नहीं किया और ना ही अपना टैलेंट कभी दिखाया है। तो फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ एक टेलरिंग का टैलेंट देख रखा है, आज दूसरा टैलेंट देखने जा रहे हैं। आज मैं करने जा रही हूँ इसकी फेस की क्लीनिंग, और प्रोडक्ट भी बहुत गजब के हैं जो मैं फिलहाल बताऊंगा नहीं किसी को। और ये देखो, जय इंतजार में है कि हेमा दीदी का फेस चमकाने के बाद से इसका फेस चमकाया जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पर इंतजार कर रहा है। तो इन लोगों का इंतजार खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका क्लीनिंग करना। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एंटरटेन कर रहा है। ये भी इसका हिडन टैलेंट है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। आज आपको बहुत सारा हिडन टैलेंट देखने को बंद करो यार। आज आपको बहुत सारा हिडन टैलेंट देखने को मिलने वाले हैं।
ये हमेशा अपने अंदर जितने भी टैलेंट है इसके इसी तरीके से छुपाए रहता है, जो आज मैंने इसे ये वीडियो नहीं आएगी, ये वीडियो आएगी, नहीं आएगी। सबको मालूम चलना चाहिए कि जय कैसा पहाड़ी डांस करता है। नहीं आएगी, मैं सीख रहा हूँ यार। इसका ये पहाड़ी वाइब जागा है आजकल? आजकल नहीं, बचपन से। अच्छा चलो ठीक है, पहाड़ी होने पर गर्व होना चाहिए। हाँ, हम उत्तराखंडी हैं। जब पहाड़ी सीखूंगा तो पहाड़ी में बोलूंगा, तुम लोगों को हिंदी बोलना। ठीक छू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है कुछ प्रोडक्ट्स जिनसे मैं करने वाली हूँ हेमा दीदी के फेस की क्लीनिंग। स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसकी फेस की क्लीनिंग करना। पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है जब मेरे पास प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं। अभी एक टैलेंट और है, वो फिर कभी दिखाएंगे। पहला स्टेप मसाज का वो कंप्लीट हो चुका है और अब करेंगे स्क्रब। ये सब एमवे के प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट्री के। सो फ्रेंड्स मसाज भी कर लिया, स्क्रब भी कर लिया, अब लगा लेते हैं फेस पे। दीदी फेसी क्लीनिंग करके भी हो चुकी है कंप्लीट और अभी क्योंकि फेस पैक लगा रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा फेस पैक सूखने में। तो जब तक फेस पैक सूखता है दी तो बैठे रहेंगे ऐसे। मैं चलती हूँ किचन की तरफ क्योंकि आज मम्मी बना रही है अरबी के पत्तों की सब्जी। अरबी के पत्तों की सब्जी के आज पूरा लंच मम्मी बना रहे हैं। तो चलते किचन में और देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है किचन का। फ्रेंड्स ऑलरेडी तैयार हो चुका है यहाँ पर बनकर अरबी के पत्तों की सब्जी, मम्मी ने बना दिया भाई। और उस कढ़ाई में दाल बना रखा है और ऊपर से रखा हुआ है लाल मिर्च भूनकर, जो कि अरबी के पत्तों में खाने में अच्छा होता है। और ये जलाया गैस बिकॉज दाल और सब्जी तो बन चुकी है और अब चावल बनना बाकी है तो इसीलिए अब चावल बन रहा है। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं दोपहर के एक और अभी मैं भी हूँ घर के बाहर। लंच हम लोगों का बन चुका है, बस चावल बनना बाकी है जो अभी मम्मी बना रहे हैं। बाकी सब्जी और दाल बन चुकी है और देखो बाहर कितनी तेज की धूप आ चुकी है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश थी नॉन स्टॉप और 3 दिन बाद आज आ चुकी है बहुत तेज की धूप। और 3 दिन से क्योंकि बारिश थी जिस वजह से अंदर थोड़ा कपड़ों में सीलन विलन टाइप के भी आने लग गए थे, हल्की हल्की स्मेल आई जाती है क्योंकि कपड़े वगैरह ढंग से सूख नहीं पाते हैं। तो आज सब बाहर धूप में रख दिए हैं और ये यहाँ पर जो बैग रखा हुआ है धूप में, ये दी ने अपना रखा हुआ है पूरा पैक करके क्योंकि कल मॉर्निंग में दी वापस दिल्ली जाने वाले थे। बट कल मॉर्निंग में तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और शाम तक नॉन स्टॉप थी, दोपहर बाद से थोड़ा मौसम ठीक हुआ था। तो आज अच्छी खासी धूप आ गई है जिस वजह से ये बैग ही बाहर रख दिया है धूप में ताकि कपड़ों में स्मेल वगैरह भी ना आए। और यहाँ पर मम्मी ने पापड़ वगैरह सब रख दिए धूप में सूखने के लिए, वहाँ पर लाल मिर्च वगैरह सब, और यहाँ पर सारे चिप्स वगैरह रख रखे हैं सूखने के लिए। बाहर से मैं भी अंदर, बैगुल बाहर तो हो रहा है बहुत ज्यादा गर्म। 3 दिन तक जब बारिश थी तब थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा था, फैन ऑफ करके रखा हुआ था। और अब क्योंकि बहुत तेज की धूप भी निकल चुकी है 3 दिन बाद तो अब गर्म होने लग गया। बड़ा विचित्र प्राणी है मनुष्य, ना गर्म बर्दाश्त होता है ना ठंड बर्दाश्त होती है और ना ही ज्यादा रेनी सीजन झेल पाता है। तो फिलहाल चलो जो अपना काम है उसको शुरू करते हैं क्योंकि फेस पैक सूख गया था तो फेस भी धो लिया है। और अब लगा लेते हैं लाइट लोशन फेस पे, मॉइस्चराइजर। सो फ्रेंड्स रेडी है हम लोगों का लंच, बन गई है अरबी के पत्तों की सब्जी, चने की दाल, साथ में है चटनी और फ्राई किए हुए लाल मिर्च और सैलेड में है कुकुम्बर। तो मैं तो भाई दाल नहीं सब्जी के साथ ही खाऊंगी भात।
जय बिल्कुल नहीं खा रहा है अरबी के पत्तों की सब्जी, बिकॉज इसको हरी कोई भी सब्जी हो इसे नहीं पसंद। फ्रेंड्स 5 बजते ही जय फिर से एक्सरसाइज करने लग गया है। ये देखो ये नाच रहा है, जाना एक्सरसाइज कर रहा है, पता नहीं चल रहा है पहाड़ी गाने में। बज चुके हैं शाम के 7 और अभी हम लोग हैं ऊपर छत में, क्योंकि धूप अच्छे होने की वजह से लहसुन वगैरह सब छत में रख रखे थे धूप में, तो अभी सब संभाल रहे हैं फिर से, ताकि अगर बारिश दोबारा से आए तो फिर सीलन वीलन टाइप का ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो रूम बना रखा है इसमें पूरा सीलन वगैरह हो गया था, जिस वजह से थोड़ा स्मेल टाइप की आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए इससे पहले कि खराब होते लहसुन स्मेल वगैरह कुछ भी आते अंदर रखे हुए सामानों में, तो इसीलिए आज धूप का फायदा उठाते हुए सब यहाँ पर धूप में रख दिए थे जो कि अब संभालने हैं। सो फ्रेंड्स संभाल दिए सारी चीजें और अब चलते हैं नीचे। ये यहाँ पर ये धो करके रखा हुआ था लोअर जय का, इसको भी ले चलते सूख गया, और वो छबड़ी भी ले चलते हैं। ये देखो मम्मी ने ये छबड़ी भी धूप में रख रखा था, अब ले चलते हैं इसे भी। ओ बिजलू यहाँ क्या कर रहा है तू, घुड़ो क्यों बोल रहे हो यार उसे? बिजलू कहाँ था भाई तू, सुबह कहाँ चला गया था? आजकल इसके भी मजे आ रहे, चला जा रहा है फिर इस टाइम पर आ रहा है, कल भी ऐसे ही आया, फिर सुबह से तो खैर घर पर था लेकिन 9 बजे के आसपास चला गया था। कहाँ जाना है ये देखना, इसको देखते हैं कहाँ जाएगा ये। म्याऊं म्याऊं सीधा किचन में म्याऊं म्याऊं, चलो इसको खाना खिलाते। आऊं वो प्याज खाना तुझको, वो प्याज है, बैठ जा थोड़ा देर। हाँ अभी तेरे को दूध देती हूँ। म्याऊ डिनर के लिए आ रखा है, डिनर कराते हैं बिजलू को। फ्रेंड्स बजने वाले हैं रात के 9 और हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी और बिजलू भी आ गया है डिनर के टाइम पर। तो सबसे पहले तो बिजलू को ही डिनर कराया भाई, क्योंकि जैसे ही डिनर तैयार हुआ बिजलू भी पहुंच गया था, और अभी तो बिजलू मेरे रूम में आराम से चेयर में सोया हुआ है और जय क्यों गिलास गिराने पे लगा हुआ है। तो रेडी है हम लोगों का डिनर, हेमा दीदी नहीं कर रहे हैं डिनर तो हम लोग कर लेते हैं डिनर, और मैं भी करती हूँ अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।